हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो इस करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं दो पार्ट रिलीज़ कर चुका हूँ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज़ में मैं पार्ट 3 रिलीज़ करने जा रहा हूँ। तो इस पार्ट में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक इन पर्सन एंड जो भी मिसलिनियस थोड़े बहुत होंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी को रिलेटेड है, तो वो डिस्कस करूँगा। और इस सीरीज़ में एक पार्ट और रिलीज़ करने वाला हूँ, पार्ट 4, जिसमें मैं मिसलिनियस क्वेश्चन और जो भी मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा और वो सब मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं पार्ट 3 रिलीज़ करने जा रहा हूँ। बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हु डेवलप्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। तो रिसेंटली CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलप्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स सेल्फ चेक कियोस्क टू फाइट कोविड। तो रिसेंटली IIT गुवाहाटी इन कोलैब विद वर्क स्पेस मेंटल सॉल्यूशन और इनके जो कोलैब से सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजिकल कंपनी अनाउंसेस वेरीफाइड कॉल्स टू आइडेंटिफाई जेन्युइन कॉलर्स रीजन फॉर कॉलिंग। तो रिसेंटली गूगल अनाउंस्ड वेरीफाई कॉलर सिमिलर टू वेरीफाई SMS दैट आइडेंटिफाई द कॉलर रीजन फॉर कॉलिंग, जस्ट लाइक जो आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर होता है उस टाइप से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIM कोझिकोडे बेस्ड इनक्यूबेटी स्टार्टअप लॉन्चेस वेयरेबल गैजेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, नेम दैट वेयरेबल गैजेट नेम। तो उस गैजेट का नाम है वेलीबैंड। तो वेलीबैंड दिस वेयरेबल डिवाइस वॉज डेवलप्ड बाय QL5 इंडिया। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? QL5 इंडिया के द्वारा। और इसकी जो स्टार्टअप का इसके कोफाउंडर कौन है? वुमेन एंटरप्रेनर है किरण मई जो है उसकी कोफाउंडर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग विच कंपनी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्स कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 2,550 करोड़ फॉर सप्लाई ऑफ पिनाका रेजिमेंट्स टू इंडियन आर्मी। तो किस किस कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है 2,580 करोड़ का पिनाका रेजिमेंट को सप्लाई करने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक कॉन्ट्रैक्ट विद भारत अर्थ मूवर्स, टाटा पावर कंपनी एंड LNT किसके लिए? सप्लाई फॉर 6 पिनाका रेजिमेंट्स, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 11th इंदिरा नेवी बायलेटरल मैट्रिमोनियल सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड विच कंट्री। तो जो 11th इंदिरा नेवी बायलेटरल मैट्रिमोनियल एक्सरसाइज हुई है वो किन कंट्री के बीच में हुई है? एक तो इंडिया और सेकेंड रशियन नेवी। और कहाँ पर कंडक्ट हुई है? ये हुई है बे ऑफ बंगाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सक्सेसफुली टेस्ट स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो स्क्रैमजेट जो है हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसके द्वारा डेमोस्ट्रेट की गई है? वो DRDO के द्वारा डेमोस्ट्रेट की गई। तो DRDO सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेटेड इट्स हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट राइजेस FDI लिमिट इन डिफेंस सेक्टर 49 टू हाउ मच परसेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट विथ नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज। तो सेंटर ने जो FDI की लिमिट है डिफेंस में वो 49% से 74% कर दी है, किसमें? ऑटोमेटिक रूट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास। तो किसने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है फ्लाइट टेस्ट अभ्यास को? तो DRDO ने यह सक्सेसफुली कंडक्ट करा है। तो जो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टारगेट है जो DRDO के द्वारा कंडक्ट किया गया है, कहाँ पर? बालासोर रेंज में, उड़ीसा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 3-डे नेवल एक्सरसाइज इन अरेबियन सी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान, नेम दैट नेवल एक्सरसाइज। तो थ्री डे जो नेवल एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में इंडिया और जापान के बीच में, तो उस नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो 4th एडिशन ऑफ इंडिया एंड जापान मैट्रिमाइल मैट्रीटाइम
बायलैटरल एक्सरसाइज जिमिक्स जिमिक्स कंडक्ट हुई है किस किस के बीच में, इंडिया और जापानीज मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस बुक टाइटल्ड द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। तो जो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस किसके द्वारा टाइटल की गई है, ये द इट्स इट इज़ यूएन पीस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स फर्स्ट बुक ऑन बिहेवियर साइंस। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये बिहेवियर साइंस की पहली बुक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ बुक ब्रेकिंग द कुकून 840। तो जो ब्रेकिंग द कुकून 40 के ऑथर कौन है, तो राधा नायर, राधा नायर इसकी ऑथर है। बुक टाइटल एट द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत ताइबत ऑथर बाय। तो जो बुक का टाइटल है द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिस्ट ताइबत, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है क्लाउडे अर्पी। तो इसमें क्या दिया गया कि हाउ चाइना डेवलप इट्स तिब्बत प्ले बुक दैट इंक्लूड्स एंक्रोचमेंट ऑक्यूपेशन एंड स्पिनिंग ऑफ अ नरेटिव ऑफ फॉल्स क्लेम्स इज एग्जामिनेट इन रिच डिटेल बाय क्लाउड आरपी। तो इन दिस फोर वॉल्यूम्स ऑन तिब्बत रिलेशन विथ इंडिया, तो इंडिया के और तिब्बत के रिलेशन के बारे में बताया गया इसके फोर वॉल्यूम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन बाय। तो द बुक है फ्रीडम फासिज्म फिक्शन क्यों किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आज़ादी फ्रीडम फैक्शन फिक्शंस बाय अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय के द्वारा ये टाइटल जो बुक है द बुक आज़ादी फ्रीडम फासिज्म लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक टाइटल एट अ प्रोमिस लैंड ऑथर बाय। तो जो बुक टाइटल है प्रोमिस लैंड, इसके जो पब्लिशर है वो पेंगुइन रैंडम हाउस है। इसका पब्लिशर कौन है, पेंगुइन रैंडम हाउस, और इसके जो ऑथर है वो कौन है, बराक ओबामा। कौन है, बराक ओबामा। और ये 25 लैंग्वेजेस में रिलीज़ की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ डिसेंट ऑथर बाय। तो जो वॉइस ऑफ डिसेंट बुक है वो किस उसके ऑथर कौन है, तो रोमिला थापर केम आउट विथ हिज हिस्टोरिकल एसे एक्सप्लोरिंग डिसेंट इंक्लूडिंग आर्टिकुलेशन एंड पब्लिक रिस्पॉन्स टू इट्स पर्टिकुलर फॉर्म्स विथ अ फोकस ऑन प्रोटेस्ट इन नेशन। तो वॉइस ऑफ डिसेंट किसके द्वारा ऑथर की गई है, रोमिला थापर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर लॉन्चेस अ बुक बकेट ऑफ फ्लावर्स, है ना, तो बकेट ऑफ फ्लावर्स ऑथर बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखी गई है, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि लोकसभा एमपी है लखनऊ से, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्स कमर्शियल लॉन्च ऑफ कोविड-19 टेस्ट नेम। तो रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक कमर्शियल लॉन्च किया है कोविड टेस्ट का, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, फेलुडिया फेलुडिया फेलुडिया, जो कि जिसने अपना नोट रिसीव करा किसके द्वारा, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नाउ थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना, तो थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो पहला सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है जेफ बोजस, सेकेंड कौन है, बिल गेट्स, और थर्ड कौन है, इयन मस्क, और फोर्थ कौन है, मार्क जकरबर्ग। तो थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन आ गए, अब इयन मस्क। और जो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट वूमेन कौन है, जेफ बोजस की वाइफ, उनका कितना वर्थ है, वो 113 बिलियन, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई राफेल। तो राफेल को फ्लाई करने वाली सबसे पहली इंडियन वुमेन कौन है, तो वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, हु हेल्स फ्रॉम यूपी वाराणसी, जो यूपी के वाराणसी से, इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दैट 17-year-old सूरत गर्ल हु अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूएनपी, है ना। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 17 ईयर की जो सूरत गर्ल है उसका नाम क्या है, तो 17 ईयर्स ओल्ड खुशी चिंदलिया फ्रॉम गुजरात सूरत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूएन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम तुंजिया इको जनरेशन है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दैट क्रिकेटर्स हु अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर जोपोट है ना। तो उन जो प्लेयर जोपोट के ब्रांड एम्बेसडर हो कौन कौन है, एक तो स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसका, प्लेयर जोपोट को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म एक्टर ज्वाइन डेविड बेकहम इन यूनिसेफ कैंपेन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो किस कौन सा इंडियन ज्वाइन कर रहा है डेविड बेकहम को, यूनाइटेड नेशन के जो यूनिसेफ के जो कैंपेन है वायलेंस को एंड करने के लिए। तो यूनिसेफ के इंडिया रोप्ड इन एक्टर आयुष्मान खुराना एज इट्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग इट्स वर्क अराउंड एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का एम्बेसिडर बनाया इंडिया की तरफ से, डेविड बेकहम के साथ में उन्होंने ज्वाइन करा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम गेमिंग सब्सिडरी पेटीएम फर्स्ट गेम्स हैज़ रोप्ड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसिडर। तो पेटीएम गेमिंग की जो पेटीएम्स की जो गेमिंग सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, तो उसके ब्रांड एम्बेसिडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ग्रेट लर्निंग हैज़ रोप्ड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसिडर। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टार्टअप कंपनी है ग्रेट लर्निंग, उसने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया, तो किसको बनाया, विराट कोहली को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेक्स साइन विच स्पोर्ट्स पर्सन एज इट्स ब्रांड एम्बेसिडर। तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म में जो नाइन स्टेक्स, उसने किस स्पोर्ट्स पर्सन को उसका ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है, तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेक्स साइन सुरेश रैना एज इट्स ब्रांड एम्बेसिडर। तो किसको बनाया, सुरेश रैना को उसका ब्रांड एम्बेसिडर बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोक एम एस धोनीस रिकॉर्ड ऑफ हैविंग मोस्ट डिसमिसल एज अ विकेट कीपर इन द T20 फॉर्मेट। तो किसने रिसेंटली एम एस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा डिसमिसल का एज अ विकेट कीपर T20 फॉर्मेट में, तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर एलेजा हीली, उन्होंने ये ब्रोक करा है रिकॉर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहोर्ट ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इज द हाईएस्ट प्रोफाइल रिकॉग्नाइजेशन अपॉर्चुनिटी एट द यूनाइटेड नेशन फॉर यंगस्टर हु आर लीडिंग एफर्ट्स टू कॉम्बैट द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग इशूज हु हैज़ बीन नेम्ड टू द 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स। तो किसको बनाया गया है उसका यंग लीडर्स, तो इंडियन टीनेजर उदित सिंगल टू 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर SDGs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसको बनाया गया, उदित सिंगल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू रिसीव डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ 3,500 करोड़ फ्रॉम विच कंट्री टू फाइट COVID-19। तो किस कंट्री से हमको 3,500 करोड़ का लोन मिल रहा है, तो जापान से रिसेंटली हमको 3,500 करोड़ का लोन मिला है टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। इसी के साथ हमारे जो सितंबर के जो पर्सन बुक और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर थे उसको लेकर वो मैंने डिस्कस करे इस वीडियो में। एक लास्ट वीडियो और आएगा जो पार्ट 4 होगा, जिसमें मैं मिसेलेनियस और जो भी एग्रीमेंट है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है वो सारे में और जो भी कंपनीज का मर्जर है उसके बारे में सारे डिस्कशन करूँगा। तो एक लास्ट वीडियो और आएगा। तो यहीं पर आज का हमारे सेशन खत्म होता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बैंकिंग स्पार्टन।